आज हम बनाएंगे लाल मसूर की दाल और अरबी। और अभी हम सारा टमाटर प्याज काट रहे हैं, तो दिखाते हैं अभी आपको। तो दाल अरबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप दाल ले ली है। ये स्प्लिट वाली दाल है, तो अगर आपके पास मोटी वाली दाल हो तो आप वो 1 कप लेना। मेरे पास स्प्लिट वाली थी तो हमने ये 1.5 कप ही ली है। और साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 टमाटर, 1 प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची ले ली है। तो अभी हम इन सबको काटेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 5 अरबी भी ले ली है। इसको पहले छील लेंगे, फिर अच्छे से धो के फिर काटेंगे। और ये दीदी साथ साथ प्याज काटते हुए शोर मचा रही, मुझे बोले नहीं दे रही। मैं तो कुछ दीदी अब ऐसे तो कर बहुत अच्छी हूँ, किसी को परेशान नहीं करती। अच्छा, ये हमेशा ये बोलती है परेशान नहीं करती। और सबसे पूरे घर में सबसे ज़्यादा परेशान ये करती है हमको। पते की बात से? क्या पते की बात? घर में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, सबसे ज़्यादा शरारती लाडला वही होता है। मतलब हम गए, तुम खत्म, टाटा बाय बाय। तुम्हें वो नगर निगम का कूड़ेदान से उठाया, मैं कह रही हूँ तुम बस। ये हर एक छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन को सुनने को मिलती है। बड़ा बच्चा हमेशा ये बोलते हैं कि तुम्हें हमने कूड़े के डब्बे से उठाया। जब बड़ी औलादी ऐसी होगी तो बच्चों को उठाने पड़ेगा। नहीं, मुझे मम्मी ने कहा ना पापा ने कि हाँ यार मेरी प्यारी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा अरे ये दिख रही है इसको उठा लो, मेरे लिए खिलौना मिल जाएगा। मतलब मैं खिलौना तो मैं खेलने के लिए तुमने बच्ची छोटी बहन को ऐसे बोलेगी? तो देख लो मेरी YouTube फैमिली, मेरी बहन मुझे कैसे बोल रही है। हाँ दीदी, सिर्फ मैं नहीं, ये किसी भी सिबलिंग से पूछ रही हूँ। हाँ ये तो है, ये हर छोटे बच्चे का रोना है। ये बड़ा भाई या बहन उसको बोलता ही रहता है। चल प्याज छी बटा बट, चल तेरे कहने पर करूँगी। हाँ मेरे कहने पर, मेरे कहने पे तू काम करेगी, तेरे कहने पे मैं। बस दीदी मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ, भूल बोल रही है मैं। ये कपड़ा साफ है, हरा वाला? हाँ साफ है वो वाला, इसे बंद नहीं। इतना गंदा कपड़ा हो रहा है, साफ करने की बात है। ये देखियो मैंने वो वाला कपड़ा बोला है, वो डार्क ग्रीन वाला, ना कि ये वाला। तूने डार्क वाला यूज नहीं किया, तूने मैंने बोला हरा कपड़ा है। मैं दो तुझे बोलना चाहिए था क्योंकि डार्क, तुझे बोलना चाहिए था कि डार्क ग्रीन कपड़ा। तूने देखा क्यों नहीं, तेरी गलती है हमेशा की तरह। तो इसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया। आप चाहो तो फाइन चॉपिंग भी कर सकती हो। प्याज और यहाँ पे हरी मिर्च है और उधर है टमाटर। और साथ साथ हमने ये अरबी भी धो के अच्छे से काट ली है। तो चलो दाल बनाना शुरू करते हैं, दाल अरबी बनाना शुरू करते हैं। मैं जा रही हूँ आटा गूंदने। और प्रियंका, अरे घर में ही कहाँ जा रही आटा गूंदने तो? और प्रियंका सब्जी बना रही है, लेकिन लग नहीं रहा सब्जी बना रही है, मेरा दिमाग खा रही है। तेल के हाथ पोछ लिए कपड़ों में, रिकॉर्ड कर रही। तो चलिए आटा गूंथते हैं हम। इसमें नोटिस कर रहा है कि जब भी अरबी वगैरह छीलती हूँ ना मैं, तो मेरे हाथ में कलाल और खुशी खुशी लग जाती है, पता है। तो क्या नाचू? चल तो काम, नाच रहा था। काम कर काम। अच्छा तो यहाँ पे हमने 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिए। तेल जैसे गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फिर ये जो हमने काटा है इसमें मैंने प्याज और जो ये है मिर्च इकट्ठे काटे, तो वो डाल देंगे। तेल लाल हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमने डाल दिया, अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। प्याज लाल हो चुके हैं, थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने डाल दिए, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 2 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। मिर्च कम ही डालना क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्च भी डाल रखी है, तो हम लाल मिर्च कम ही डालेंगे। और 1 चम्मच हम डालेंगे कोरिएंडर पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। कुकर को अब कवर कर देंगे। अच्छे दाल अरबी में हम नॉर्मल टमाटर प्याज डाल के सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन, बहुत ज़्यादा मसाले डालो बहुत सारे। सिंपल तरीके से भी कम मसालों में अच्छे से दाल अरबी बन जाती है वाली। और वैसे भी दाल तो मतलब हल्की हल्की हो तो अच्छा लगता है खाने में। और लास्ट में अगर हम धनिया वगैरह से गार्निश करेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। अरबी वगैरह सब काट दिया हमने, तो अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे।
दीदी हो गया आटा बस। और साथ साथ हम देख रहे हैं टीवी। तो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, साइड से तेल भी छूट गया है। और अब हम इसमें डालेंगे दाल और अरबी। तो दाल हमने पूरे डाल दिए, दाल अरबी दोनों डाल दी। अब हम इसमें 3 सीटी लगा के इसको पका लेंगे। तो दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है। मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दिया था। और ये अरबी भी अच्छे से पक चुकी है, ये मैंने तोड़ के देखी थी, काफ़ी अच्छे से गल गई है ये, देखो अच्छे से पक चुकी है ये।